हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y200 प्रो डिवाइस के अंदर आप बैकग्राउंड स्ट्रीम यूज कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में बैकग्राउंड स्ट्रीम कैसे यूज करेंगे, यही चीज़ यहां पे आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बैकग्राउंड स्ट्रीम होता है जैसे आप अपने फ़ोन में कोई वीडियो चला रहे हैं या कोई एप्लीकेशन से या किसी भी एप्लीकेशन से आप कोई वीडियो चला रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या होगा कि आप अपने चलती हुई वीडियो को अगर कट कर देते हैं, अपने कट बटन को दबा देंगे, तो आपका जो वीडियो है वो चलता रहेगा, आपका स्क्रीन पे शो नहीं होगा, लेकिन जो आपका वीडियो है वो चलता रहेगा, वहाँ पे जो उसकी वॉइस है वो आपको सुनाती रहेगी। या आप अपने पावर बटन को प्रेस करेंगे, आपके जो स्क्रीन की लाइट है वो बंद हो जाएगी, आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, तब भी जो आपका वीडियो का वॉइस है वो चलता रहेगा, आपका वीडियो आपके स्क्रीन पर शो नहीं होगा, लेकिन वो वीडियो चलता रहेगा, वो वीडियो बंद नहीं होगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा फीचर था, आप इसको अपने फ़ोन में यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे आप न्यूज़ सुनते हैं, उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं आप जिसको देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं यूट्यूब से, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके कट बटन दबती है तो क्या होता है कि जो आपका यूट्यूब है वो बंद हो जाता है, वहाँ पर जो आपका वीडियो है तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में बैकग्राउंड स्ट्रीम यूज करते हैं तो आप अपने यूट्यूब को ओपन कर लें और इसके बाद वहाँ पर आप बैकग्राउंड स्ट्रीम यूज कर रहे हैं तो जो आपका वीडियो वो बंद नहीं होगा। आप अपने कट बटन को प्रेस करेंगे तो जो आपका वीडियो वो बंद नहीं होगा, आपके स्क्रीन पे शो नहीं होगा, लेकिन आपका जो वीडियो चलता रहेगा, आप अपने स्क्रीन पे कोई भी काम कर पाएंगे, आपका जो वीडियो होगा वो चलता रहेगा। इसके अलावा आप और भी फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी चीज़ चलाते हैं तो आप उन लोग उस पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करना है, कैसे अपने फ़ोन में कहाँ से इनेबल करना है, सारा प्रोसेस हम यहाँ पर आपको बताएँगे। दोस्तों, सिर्फ आप बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको अपने फ़ोन में किस तरह से बैकग्राउंड स्ट्रीम यूज करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, बहुत फ़ोनों में क्या होता है कि जो बैकग्राउंड स्ट्रीम है वो सेटिंग आता है, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिसके अंदर आपको बैकग्राउंड स्ट्रीम नहीं मिलता है। तो आपके फ़ोन में अगर बैकग्राउंड स्ट्रीम नहीं है या अगर है भी तो आप इसको यूज़ करेंगे, इस एप्लीकेशन को कुछ ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उससे आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फ़ोन में बैकग्राउंड स्ट्रीम यूज करना है। तो आपको पहले प्ले स्टोर ओपन करना है, तो हम यहाँ पे अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमारा प्ले स्टोर है यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको सर्च करना है बैकग्राउंड स्ट्रीम। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे बैकग्राउंड स्ट्रीम और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा प्ले बैक बैकग्राउंड प्ले, यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, आपको इंस्टॉल कर लेना है और हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कोई ऐड आता है तो आप इसको स्किप करेंगे और ये हमारे फ़ोन में अभी आप देख रहे हैं इंस्टॉलिंग हो रहा, तो आपको इसको थोड़ा सा वेट कर लेना, आपके फ़ोन में इंस्टॉलिंग हो जाएगा। अभी हमारे फ़ोन में इंस्टॉलिंग हो चुका है, इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे और जैसे इसको यहाँ पे ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपके फ़ोन में कुछ आ जाएगा, जो आपके एप्लीकेशन होंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो नीचे भी आप देख रहे हैं यूट्यूब, YT म्यूजिक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें से आपको किसी को नहीं यूज करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन यूज़ करना है उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो हम यहाँ पर यूट्यूब लिखते हैं, यहाँ पे YouTube सर्च करेंगे और जैसे यहाँ पे YouTube सर्च करते हैं तो यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, आपको इसको अलाउ कर देना है और यहाँ पे आप देख रहे कुछ इस तरह का आ जाएगा आपके फ़ोन में। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं, इसको नहीं यूज़ करेंगे और यहाँ पे YouTube आता है, तो आपको YouTube पे ऐसे क्लिक कर लेना है और यहाँ भी आपको YouTube ही सर्च करना है। यहाँ पर आप देख रहे YouTube आ रहा, आपको यहाँ पर YouTube लिख देना है, तो हम यहाँ पे YouTube लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे YouTube सर्च कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे YouTube सर्च करते हैं, जो हमारा YouTube है पूरी तरह से यहाँ पे ओपन हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं YouTube पे जो भी आपका वीडियो होगा या जो भी आपका YouTube पे चलता होगा, जो भी वीडियो होगा प्रोसेसिंग में, सब यहाँ पे आ जाएगा, जितना भी हमारा यूट्यूब है यहाँ पे चल रहा है। तो जिस तरह का हम वीडियो देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, उसी तरह का यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर हम किसी एक वीडियो को ओपन करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर इस वीडियो को ओपन कर लेते हैं किसी एक को, यहाँ पे हम एक वीडियो ओपन करेंगे, तो हम इस वीडियो को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं।
ये वीडियो हमारे स्क्रीन पे राधे। चल रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको अपने भगवान कट बटन को प्रेस विष्णु करना है। जैसे हमारा ये वीडियो चल रहा है, अब हम चाहते हैं कुछ और काम करना, तो फिर से हमको हमसे क्या पूछना होता है कि हम पड़ेगा। जैसे कट बटन प्रेस करते हैं तो जो हमारा वीडियो बंद हो जाता है, पर ऐसा नहीं विष्णु होगा। यहाँ पे अगर सक्सेना हम कट कहाँ बटन को प्रेस करेंगे तो जो हमारा वीडियो चलता रहेगा। अभी जो हमारा वीडियो हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, तो हम यहाँ पे कट बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम कट और बटन आज को भी हम प्रेस करते इसी हैं जंतु चेहरे तो पे आप देख रहे हैं जो हमेशा हमारा ही वीडियो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमारे स्क्रीन पे कोई वीडियो नहीं आ रहा। इसका जो वॉइस है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वीडियो नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हम कुछ भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, सारा कुछ हम यहाँ पे अपने फ़ोन में यूज़ करेंगे, ये सब चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई वीडियो हमारे स्क्रीन पे शो नहीं होगा। और जो वीडियो है यहाँ पे चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने जो नोटिफिकेशन बार है यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर अपने फ़ोन की आप लाइट भी बंद कर देते हैं तब भी जो आपका वीडियो है वो चलता रहेगा, आपके स्क्रीन पे शो होगा। आप यहाँ से इसको ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, जहाँ से आपका वीडियो चलता रहेगा वहीं से शो हो जाएगा। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपने फ़ोन की लाइट ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे जैसे लाइट ऑफ करते हैं, इस तरह से आप अपने फ़ोन में बैकग्राउंड स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ये सेटिंग काफ़ी अच्छा, अगर आप अपने फ़ोन में इसको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। जो आपका फोटो वीडियो है या आपका कोई सॉन्ग चलेगा उसको भी आप ऑफ लाइट के ऊपर भी अपने यूट्यूब को चला पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में बैकग्राउंड स्क्रीन यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।